ओ भाव हम जरा ये वीडियो ना पूरा देखने का, क्योंकि ये पेज वाले पैसा कमाएंगे ना तो कट मेरे को भी मिलने को मांगता है। मेरा भगोड़ा भाई है ना, हम सबको टोपी पहना के वट लिया, साइली से शादी करने के लिए बाबा से 27 लाख रुपया लिया और फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया। फिर क्या था, साइली से मेरे को शादी करना पड़ा। अभी या कहीं तो एडजस्ट करेगा ना भाई। मॉम जी प्लीज फॉरगेट इट ना। एक काम करते हैं ना, हम शॉपिंग के लिए जाते हैं। मीरा का फोन, अब स्पीकर पे फोन करना। माय नेल पॉलिश इज स्टिल वेट, प्लीज डू इट। मीरा सच अ स्नॉब। हाय मीरू, हाउ आर यू बेबी? आई एम फैंटास्टिक, आप लोग कैसे हैं? फाइन। वैसे मैंने आपको इसलिए कॉल किया था क्योंकि मेरे घर में एक पार्टी है और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग आए। पार्टी फॉर व्हाट? व्हाट्स द ओकेशन? धर्म जी का बर्थडे है। ओ, मेरी तरफ से भी धर्म जी को विश कर देना। ओ प्लीज नो, हाँ आपको खुद आके विश करना होगा, इसलिए एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है, इसलिए आप सब लोगों को आना होगा। आप मेरी को पीवाओ और ज्यादा सुंदर लगेगी। आशिबा, आपको आज का दिन याद है ना? मुझे 100% याद है। धर्म जी आज आपका जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मासीबा। आज शाम को आप सबको आना है? हाँ अवश्य आएंगे। वैसे मीरा ने परिधि बहन और बाकी सबको आमंत्रण दे दिया होगा, लेकिन आपको और गोपी बहन को खास मेरे तरफ से पर्सनल आमंत्रण है। हाँ हाँ डेफिनेटली आएंगे हम लोग। हाँ दादी और माँ को भी लेके आना अपने साथ। या ऑफ कोर्स, उनको भी साथ ले आएंगे। वैसे मीरा सजेस्ट मी वन थिंग, धर्म जी के लिए क्या गिफ्ट लेकर आऊं मैं? ओ प्लीज नो गिफ्ट्स। वैसे भी धर्म जी को कोई दे ही क्या सकता है, उनके पास सब कुछ जो है। और आप तो जानती हैं पिछले 5 साल से धर्म जी ने सूर्यवंशी बिजनेस का इतना बड़ा एक्सपेंशन कर दिया है कि ये बात पूरा गुजरात जानता है, इसलिए प्लीज नो गिफ्ट्स। आप लोग बस टाइम पर आ जाइएगा। कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, आप दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करें, आपका और मीरा का वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय। मासीबा माँ अंबे करे कि आप जो कह रही है ना वैसा ही हो। यू आर रियली वेरी लकी मीरा, वरना आजकल कौन इतना खुश नसीब होता है जिसे धर्म जी जैसे पति मिलते हैं। आई नो आई एम वेरी लकी। काकी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, गरीबों में दान वान भी देना है वगैरह वगैरह, यू सी। दैट्स ग्रेट मीरा। आई नो, वैसे ही हमारे घर में इतने सारे नौकर हैं कि घर से दान दक्षिणा शुरू हो जाती है। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय, सी यू टुनाइट, बाय। जय श्री कृष्ण।
हे कृष्ण भगवान, आप डॉक्टर है ना? Of course. आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की है ना? कोई शक। एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, डॉक्टरी की पढ़ाई के साथ साथ आपको बाल बनाने भी सिखाया है? आंटी जी आप भी ना, दरअसल ये हुनर मैंने अपने खास पेशेंट्स के लिए संभाल के रखा है। एक पेशेंट और डॉक्टर का रिश्ता सिर्फ दवाइयों और इंजेक्शन का नहीं होता, कुछ रिश्ते पेशे से बढ़कर होते हैं। ये लीजिए, वो क्या है ना, मुझे सिर्फ पोलियो का टीका लगाने की आदत है, ये टीका आप लगा लीजिए। कितनी सुंदर लग रही मेरी गोपी वो। अरे हाँ, वो दरअसल कृष्णा बेटा, आपसे एक जरूरी काम था, कर देते तो बड़ा एहसान होता। देखिए आंटी, अगर बेटा मानकर हुक्म देंगी तो खुद को ऑपरेशन कर अपना दिल निकाल कर आपके कदमों में रख दूंगा, लेकिन अगर डॉक्टर समझ कर ये एहसान वहसान की बात करेंगी ना, तो मैं आपको इंजेक्शन लगा दूंगा। बोलिए क्या कर सकता हूँ आपके लिए? आपके लिए तो जान भी हाजिर। नहीं, जान देने की बात मत कीजिएगा, गलत कहा आपने, माफी तो मांगनी पड़ेगी। ओके, सॉरी। ये हुई ना बात बेटा। बोलिए। मेरे पोते दामाद है, उनका आज जन्मदिन है, तो उसके घर में बहुत बड़ा आयोजन रखा है, अब खाली हाथ तो नहीं जा सकते। बिल्कुल नहीं। तो तोहफा तो देना पड़ेगा। पक्की बात। तो वह चाह रही थी कि कृपा करके, कृपा नहीं करके, साउंड्स बेटर, आप अगर आप एक कुर्ता ला देंगे। ले, इतनी सी बात? अरे आंटी आप टेंशन मत लो, कुर्ता मैं ले आऊंगा, पैसे आप रहने दीजिए। क्यों, कुर्ता कोई मुफ्त में थोड़ी आएगा। और एक अच्छा सा कुर्ता मेरे पोते दामाद के लिए ले लेना, उनकी ऊंचाई आपके जितनी है। ठीक है आंटी, और कुछ कर सकता हूँ आपके लिए? जितना आप कर रहे हैं उतना ही काफी है, अब मैं खुद चली जाती, लेकिन लेकिन गोपी बहू को अकेला छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? कभी नहीं। चलिए। हाँ, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। आंटी अगर आप बुरा ना माने तो एक गल दसू। हैं? मेरा मतलब है, मैं आपसे कुछ कहूँ? कृष्ण बेटा, आप कभी कभी पंजाबी में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि समझ में नहीं आता, कहिए क्या कहना चाहते हैं? आंटी जी, मैंने कई बार आपके मुंह से आपकी पोतियों के बारे में सुना है कि आप उनसे बहुत प्यार करती हैं। मेरा ये सजेशन था कि क्यों ना आप कुछ दिनों के लिए गोपी जी को लेकर उनके घर चली जाएं, थोड़ा माहौल चेंज हो जाएगा, बेहतर फील करेंगी आप। नहीं, ये कैसे संभव है? अब कृष्णा बेटा, ये बात तो आप भी जानते हैं कि शादीशुदा बेटी के ससुराल में माता पिता पानी तक नहीं पीते, और गोपी वो भी कभी नहीं चाहेगी, और आप कह रहे हैं कि मैं गोपी वो को लेकर वहां रहने चली जाऊं? इसका तो एक सिंपल सलूशन है, घर का पानी मत पीजिए, बाहर से पानी मंगवा के पी लीजिए। नहीं कृष्णा बेटा, पूरी जिंदगी बिताई मैंने इस घर में, घर के कोने कोने में मेरे अहम बेटा और मेरी गोपियों के अहम जी की यादें बसी हुई है, वो यादें
जो मेरे हृदय में अंकित हो गई है, वो यादें जो हर पल मुझे मेरे उन यादों के सहारे तो गोपी वो सांसें ले रही है। की गल कर रहे हो आंटी आप, सांस लेने को जिंदगी नहीं कहते, जिंदगी जीने को कहते। और पुरानी यादों के सहारे जिंदगी नहीं काटी जा सकती, जिंदगी काटने के लिए नई यादें बनानी पड़ेंगी। आंटी जी, जो बीत गए सो बीत गए, अब पुरानी यादों को टाटा बाय बाय तो करना पड़ेगा ना। बेटा बिल्कुल सही कह रहे, इंसान को वक्त के साथ चलना चाहिए। संभलने के लिए भी तो इंसान को वक्त चाहिए। सच तो ये है कि मीरा और विद्या की जिंदगी में बहुत उथल पुथल चल रही है। इस वक्त मैं उन्हें तकलीफ नहीं दे सकती। चलो, मेरी गोपी वो तो तैयार हो गई, अब मैं भी तैयार हो जाऊं, फिर मैं मेरी गोपी वो हम सब धर्म कुमार के जन्मदिन की पार्टी में चलेंगे, है ना? बहुत सुंदर लग रही हो गोपी वो, तुम्हें कहीं तुम्हारी माँ जी की ही नजर न लग जाए। वैसे तो सारे रंग मेरी गोपी वो पर बहुत अच्छे खेलते हैं, पर ये रंग बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये कलर तुम पे सबसे ज्यादा सूट होता है, ये कलर तुम पे सबसे ज्यादा सूट होता है, ये कलर तुम पे सबसे ज्यादा सूट होता है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।